आदि पुरुष फिल्म का एक और ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसमें रावण को एक बार फिर से छिपाया गया है। इस ट्रेलर में रावण का एकमात्र छोटा सीन दिखाया गया है जिसमें रावण माता सीता का हरण कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये लोग रावण को दिखाने से बचते हुए नजर आए हैं क्योंकि रावण के किरदार को लेकर काफी विवाद था। जो इन्होंने इससे पहले रावण का लुक दिया था और रावण को कपड़े पहनाए थे इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन इस ट्रेलर में भी रावण को बिल्कुल नहीं दिखाया गया, बस रावण का एकमात्र छोटा सीन है। बाकी इस फिल्म के वीएफएक्स की बात करें तो वह काफी अच्छा है और बैकग्राउंड साउंड की बात करें तो जो काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है और इन्होंने हनुमान जी के लुक में भी काफी बदलाव किया है जो पहले के मुताबिक अब अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें एक और जो कमी है, जो प्रभास ने डायलॉग मारा है वह बिल्कुल रामायण जैसा नहीं लग रहा बल्कि एक फिल्म जैसा लग रहा है। इस ट्रेलर के आने के बाद एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है क्योंकि सबसे मेन कारण है रावण का लुक। आखिर रावण का लुक कैसा होगा क्योंकि इन्होंने इस बार भी रावण का लुक छुपा के रखा है क्योंकि किसी को नहीं पता आखिर रावण का लुक कैसा होगा, इसीलिए इस फिल्म के ऊपर काफी विवाद बना हुआ है। इससे पहले जो इन्होंने टीजर रिलीज किया था इसमें रावण का लुक बिल्कुल हॉलीवुड के विलन की तरह लग रहा था। बाकी पहले के मुताबिक इन्होंने इस फिल्म पे काफी काम किए, काफी इम्प्रूवमेंट किए हैं, कई सारी चेंजेस किए हैं, जैसे कि हनुमान जी पहले बिल्कुल ही अलग लग रहे थे और इन्होंने इस पे काम करके हनुमान जी को काफी बदला है जो अब ठीक लग रहे हैं हनुमान जी। बाकी अगर श्री राम की डायलॉग की बात करें अगर आप देखते हो तो उसमें अब भी और भी इम्प्रूवमेंट होने हैं और बाकी चीज तो फिल्म देख के पता चलेगी इन्होंने इस फिल्म में क्या कर रखा है। इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो 16 जून 2023 है। इस फिल्म का रिलीज डेट जितना पास आ रहा है ये लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता पसंद कर पाए इस फिल्म को, लेकिन ये लोग बौखला से गए हैं और कुछ ना कुछ गलती कर दे रहे हैं क्योंकि यह नॉर्मल फिल्म नहीं है बल्कि भगवान श्री राम की कहानी है जो हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखती है। इससे छेड़छाड़ किसी को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए इस फिल्म के ऊपर अभी भी विवाद बना हुआ है। इस ट्रेलर को देखकर कुछ कमियां की बात करें तो पहला, क्या आने वाला पीढ़ी इस रामायण को देखकर भगवान श्री राम को जानेंगे और सोचेंगे कि भगवान श्री राम ऐसे थे? जिन भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उन भगवान श्री राम को कुछ पैसों के लिए इस तरीके से दिखाया गया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत गलत संदेश जाता है, वो लोग इसी को देख कर भगवान श्री राम की जीवनी को देखेंगे। इस ट्रेलर की दूसरी कमी की बात करें तो इन्होंने इस ट्रेलर में लक्ष्मण जी को दिखाया ही नहीं है। जो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के अहम हिस्सा थे उन्होंने दिखाया नहीं इस ट्रेलर में। इन्होंने एक से बढ़कर एक गलती की है इस फिल्म को बनाने में। इस ट्रेलर को देख लो, ना रावण को दिखाया ना ही लक्ष्मण जी को दिखाया जो रामायण के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरी कमी की बात करें तो रावण, इन्हें रावण को क्लैरिटी के साथ दिखाना चाहिए था लेकिन इन्होंने रावण को एक सस्पेंस के रूप में छोड़ दिया है। इस फिल्म को लेकर जो विवाद हुआ था इसमें रावण भी एक अहम हिस्सा था, इन्होंने रावण को अब भी नहीं दिखाया है। चौथे कमी की बात करें तो माता सीता, माता सीता को इन्होंने बिल्कुल ही मॉडर्न दिखाया है। पांचवें कमी की बात करें तो जल्दबाजी के चक्कर में इन्होंने फाइनल ट्रेलर भी अधूरा ही रिलीज किया है। अब देखते हैं 16 जून को फिल्म आ रही है फिर क्या होता है।